वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 3 स्टेप हेयर कट। अभी तक का मेरा बेस्ट हेयर कट है, मतलब बहुत सारे हेयर कट किए हैं लेकिन स्टेप कट में ये वाला स्टेप बहुत ही बेस्ट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में इनका फाइनल लुक देखने को मिलेगा, कितना हेयर फ्लोर पे गिरा सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लेंथ भी निकाली है इनकी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इनको भी अपना हेयर कट बहुत पसंद है, बहुत खुश होकर कोई कस्टमर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कल रात को मैंने बताया था कि डार्क स्किन टोन पे ब्लीच कैसे करें, गोल्ड ब्लीच, तो वो वाला मैंने रात को लाइव आती हूँ मैं 8:30 बजे, तो उस टाइम मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ। तो जिसको नहीं पता वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वो वाली वीडियो देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया क्या यार, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप देख सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा बारीकी से समझाया हुआ। ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इतने ज़्यादा हेयर इनके कट हुए, काफ़ी लेंथ भी निकल रही थी, काफ़ी ज़्यादा हेयर भी निकला था क्योंकि सारे हेयर इनके डल हो गए थे, बेकार से लग रहे थे, इस वजह से लेंथ निकालनी पड़ी। और स्टेप कटिंग में थोड़ी बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल कट लाया था, मुझे तो बहुत पसंद आया, जिनकी कटिंग की थी उनको भी बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को आपकी कटिंग पसंद आ जानी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कस्टमर आपके पास से खुश होकर जाता है कि बहुत अच्छा हेयर कट किया है। तो सबसे पहले हम इनके बालों को गीला करना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि बालों को अच्छे से गीला करना है और अच्छे से कॉम करना है, बिल्कुल भी टेंगल नहीं रहना चाहिए, एकदम सुलझे होने चाहिए। ये बाइक से आई थी तो इनके बाल काफ़ी उलझ भी गए थे, और जैसे कि ये वॉश करके आई थी फिर भी बहुत उलझ गए थे, तो मैंने इनके बालों को पहले अच्छे से सुलझा लिया है, एक भी टेंगल नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से सुलझा लेना है। ओके तो जब आपके बाल अच्छे से सुलझ जाएं, आपको लगे कि अच्छे से सुलझ चुके हैं, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको जब भी कटिंग करनी हो तो आपको कस्टमर की बीच की मांग जरूर निकाली, जब भी कोई भी कटिंग कर रहे हैं तो बीच की मांग जरूरी होती है, उससे क्या होता है कि आपकी कटिंग परफेक्ट होती है, इधर उधर बाल नहीं जाते हैं। जैसे आपने बीच की मांग कटिंग की है तो आप लास्ट में जब कस्टमर आपका साइड मांग भी करेगा तो बहुत अच्छी कटिंग दिखेगी, और अगर आपने साइड मांग से कटिंग कर दी तो वो अगर बीच की मांग करता है तो एक साइड ऊपर नीचे हेयर दिखने लग जाएंगे, इसीलिए बीच की पार्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके तो इससे पहले मैंने अंडर आर्म्स और बहुत सारी हेयर कट की वीडियो डाली है, बॉब कट, लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने तो। तो इनके बाल अभी चलिए बातें करते करते सुलझ भी चुके हैं, तो चलते हैं कटिंग स्टार्ट करने। मैं इनका लेंथ पूछ रही थी कि कितना लेंथ निकाल दूँ, तो उन्होंने बोला कि निकाल दीजिए जितने भी डैमेज हो गए हैं, तो उतना मैं निकाल दे रही हूँ। ओके तो ये देखिए यहाँ से इनके हेयर किस टाइप से दिख रहे हैं, तो मैं पतला वाला कॉम लेके आती हूँ और इसको अच्छे से सुलझा लेती हूँ। तो चलिए अभी अच्छे से कॉम हो गया हमारा और अभी हम लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी लेंथ निकाल देंगे जितना निकालना होगा। बीच की मांग निकालनी ज़रूरी होती है, तो बीच की मांग यहाँ पे निकाल लेते हैं, कभी भी कटिंग करें तो आप बीच की मांग ज़रूर निकालें, उससे आपकी कटिंग अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं कितना हल्का आया था लेकिन कटिंग के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट यू कट में इनका नीचे से लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ, यहाँ पर सीजर साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम सीजर साउंड भी मतलब डालिए वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये देखिए एकदम लाइट सा यू कट देना है, आप देख सकते हैं 8 से 9 इंच तक लेंथ इनकी निकली है। तो ये हो गया लेंथ, अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं से छूटा वगैरह तो नहीं है ना। तो इतना कट करने के बाद से आपको इनकी करनी है, और हमारा 3 स्टेप में क्या होता है, जो एक तो हमारा लेंथ होता है वही एक स्टेप है, एक होता है ऊपर का मतलब ईयर टू ईयर पार्ट करके वो वाला स्टेप, और देन जो क्राउन एरिया होता है वहाँ का तीसरा स्टेप होता है। तो 3 स्टेप हेयर कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये हमने लेंथ अपना मतलब एक स्टेप कट कर दिया है, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग लेनी है। ओके इस तरीके से,
तो ये हो गया। अब इसको पूरा ऊपर की तरफ इस तरीके से ऊपर से ईयर टू ईयर पार्टिंग, जैसे हम लोग सॉरी जैसे हम लोग अपना पफ बनाते हैं बड़ा वाला पफ, उतना हेयर आपको ले लेना है यहाँ पे, और इसको पूरा 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ कॉम करते हुए लेके जाएंगे। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें अच्छे से समझने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कट आएगा, तो पूरा अच्छे से ज़रूर सीखें। तो ये देखिए इस तरीके से कॉम करके पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है, और एकदम स्ट्रेट कॉम करते हुए लेके जाना है। ओके, और फिंगर में इस तरीके से हेयर को पकड़ना है, और आप देख लीजिए आपको मतलब पहला स्टेप कहाँ तक चाहिए, कहाँ से स्टेप स्टार्ट करना है, उतना लेंथ आपको निकालना है। तो हमको ऊपर से एकदम वहाँ से स्टेप चाहिए, बीच में पूरा स्टेप पड़ा रहेगा, तो इस तरीके से आपको कट कर देना है। आपको लगेगा कि आपका लेंथ बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, आपकी लेंथ जो कट हो चुकी है उतना ही रहेगा। ये बस स्टेप के लिए हमको इतना हेयर कट करना पड़ता है। ओके, बहुत ही प्यारा कट आने वाला है। इसके बाद आपको करना क्या है, बीच से पार्टिंग कर लेनी है बालों की इस तरीके से, और देन आधे बालों को ऊपर की तरफ कॉम करते हुए लेके जाएंगे, और जो हेयर नीचे छूट रहे हैं उसको छूटने दीजिए, क्योंकि हमारी लेंथ है उसमें से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतना हमने निकाल दिया। अब इस तरीके से ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे, और जो हमारा ऊपर का गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग बाकी हेयर को कट कर देंगे। तो ये जो छूट रहा है वो छूटने दीजिए, क्योंकि वो आपका लेंथ है, उसमें से कम होगा तो आपका लेंथ कम हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं बीच के, उसको कट कर देंगे। ओके, बहुत ही प्यारा स्टेप आएगा, अभी मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा दूंगी। ये देखिए, तो चलते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट करना है आपको, ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाइए इसको, और ये लेंथ जो हमारा है उसको निकाल देना है। ये अपना लेंथ चेक कर रही थी कि कितना आया है, तो इस तरीके से कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाओ, और फिंगर में हेयर को पकड़ना है इस तरीके से, बाकी जो आपका ऊपर का गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग बाकी हेयर को कट कर देना है। ओके, फिर स्ट्रेट सीजर लेके इस तरीके से कट लगा देना, उससे आपकी लेयर स्टेप बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी मैं कॉम करके दिखा, ड्राई होने के बाद से मतलब बाल सूखने के बाद से बहुत अच्छा दिखेगा हेयर कट। फाइनल लुक क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको कट कर देंगे कॉम करके। तो ये बीच की पार्टिंग कर लेते हैं और आपको इनका फाइनल लुक दिखा देते हैं। पहले मैं इनका बैंग्स कट कर लेती हूँ, सॉरी बैंग्स कट भी लॉन्ग में ही रखना है, तो उसके लिए आपको करना क्या, ईयर टू ईयर पार्टिंग लेंगे। ओके, इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग लेंगे और स्ट्रेट कॉम करते हुए लेके जाएंगे, जो हमारा ठोड़ी होता है आपको लिप्स के नीचे वाला पार्ट, वहाँ से हमको हेयर को कट करना है। तो किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से सीधा नोच के एकदम सीध में आपको हेयर को लेके जाना है, और इतने हेयर कट कर देने हैं ठोड़ी के पास से। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा सा कट आया है, और बैक का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। जिससे ही हेयर इनके सूख जाएंगे बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत हल्के बाल थे बट बहुत सुंदर आया था कट। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, और भी जितना एक्स्ट्रा होगा उसको आप कट कर लीजिए हल्का फुल्का। ओके, ये ऐसे क्लच करती हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा हेयर कट। और फाइनल लुक क्या था वो भी मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए कितना अच्छा सा स्टेप आया हुआ है, आई होप दिख रहा हो आप लोग को। ओके, तो ये है इनका फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा कट आया है ना, बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कटिंग कैसी लगी।
थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने डार्क स्किन पे ब्लीच कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और बॉब कट नहीं देखी है और लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट जस्ट इससे दो दो वीडियो पहले डाला हुआ था तो चेक कर। अच्छी लगी हेयर कटिंग? अच्छी लगी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कटिंग आई थी। अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया ना, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई स्वीट फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।